हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन वी के शेड सर्कल चैनल। तो आज हम करंट अफेयर का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, जिसका नाम है नोबेल प्राइज़ 2022, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री क्या रही है। तो स्वीडिश साइंटिस्ट थे एक अल्फ्रेड नोबेल, जिनको जाना जाता था डिस्कवरी ऑफ डायनेमाइट के लिए। उन्हीं की इच्छा से 1895 में नोबेल प्राइज़ को इस्टेब्लिश किया गया। नोबेल प्राइज़ दिया जाने लगा टू दोज हु इन द प्रिसीडिंग ईयर, जो ये पीछे चला गया, हैव कन्फर्म द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू मैनकाइंड। और आपको बता दूं कि नोबेल प्राइज़ वर फर्स्ट अवार्डेड इन 1901 एंड द प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस वॉज स्टार्टेड इन 1969। तो पहले जब स्टार्ट हुआ था नोबेल प्राइज़, उस टाइम इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता था, पर 1969 में इकोनॉमिक साइंस में भी नोबेल प्राइज़ ऐड किया गया। द अवार्ड वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम 1940 to 1942, जब वर्ल्ड वॉर टू का इरा चला हुआ था, तब 1940 से लेकर 1942 के बीच में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया, और नोबेल प्राइज़ कभी भी मरणोपरांत नहीं दिया जाता। तो 1901 में जब नोबेल प्राइज़ फर्स्ट टाइम दिया गया, तो वो मेनली 5 सेपरेट फील्ड में दिया गया। वो फील्ड थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन, लिटरेचर और पीस में। पर इन 1968 में सेवरिस रिक्स बैंक, एक स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, उन्होंने इकोनॉमिक साइंस में भी नोबेल प्राइज़ देना शुरू कर दिया। तो आइए जानते हैं कि 2022 के नोबेल प्राइज़ किस किस को दिया गया, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स दिया गया 3 लोगों को, जो इक्वली उनमें डिवाइड किया गया। तो उनके नाम थे एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर। इनको दिया गया फॉर एक्सपेरिमेंट विद एंटेंगल्ड फोटोन्स, एस्टेब्लिश द वायलेशन ऑफ बेल इनक्वालिटीज एंड पायोनियर क्वांटम इन्फॉर्मेशन साइंस। तो यहाँ पर ये भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स किस किस को दिया गया और क्या डिस्कवर करने के लिए उनको दिया गया, तो आपको ये याद रखना है। और अगर हम बात करें नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2022 में, तो इसका प्राइज़ दिया गया स्वंते पावो। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी नाम लिखा गया है और हिंदी में भी, क्योंकि नाम पढ़ने में कुछ अजीब से हो जाते हैं हमारे लिए, तो यहाँ पर मैंने हिंदी में भी नाम दिए हैं। तो इन्होंने डिस्कवरी की थी फॉर द डिस्कवरी कंसर्निंग द जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स एंड ह्यूमन एवोल्यूशन। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक प्राइज़ बन जाता है। नेक्स्ट नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2022, ये भी 3 साइंटिस्ट में इक्वली डिवाइड किया गया। उनके नाम है कैरोलिन आर बटोर्जी, नेक्स्ट है मोर्टल मेल्डन और के बेरी शार्पलेस। ये नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री इन 3 साइंटिस्ट को दिया गया फॉर द डिस्कवरी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री, इन विच मॉलिक्यूलर बिल्डिंग ब्लॉक्स स्नैप टुगेदर क्विकली एंड एफिशेंटली एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको ये याद रखना है कि किस किस को ये प्राइज़ दिया गया और क्या डिस्कवर करने के लिए ये प्राइज़ दिए गए हैं। नेक्स्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नोबेल प्राइज़ बनता है, वो बनता है नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2022। तो ये दिया गया एक फ्रेंच ऑथर हैं एनी ऑर्नॉक्स, इनको ये दिया गया फॉर द करेज एंड क्लिनिकल इक्विटी विद विच सी अनकवर्स द रूट्स एस्ट्रेंजमेंट एंड कलेक्टिव रिस्ट्रेंस ऑफ पर्सनल मेमोरी। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये याद रखना है कि नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर किसको दिया गया और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं। 2022 का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राइज़ दैट इज़ नोबेल पीस प्राइज़ किस किस को दिया गया। तो यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज़ भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसमें पहले ये दिया गया ह्यूमन राइट एडवोकेट एलिस बियाली यात्सकी, तो ये नाम कुछ अजीब से हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखने के लिए मैं आपको हिंदी में भी दिए हैं, तो ये बिलोंग करते हैं बेलारूस से। सेकंड जो पार्ट दिया गया रशियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है मेमोरियल। और थर्ड पार्ट दिया गया यूक्रेनियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। 2022 का लास्ट प्राइज़ दैट इज़ नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस, तो वो भी इक्वली 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। इसमें पहला हिस्सा दिया गया बेन एस बार्नेट के, और सेकंड दिया गया डगलस डब्ल्यू डायमंड, और थर्ड दिया गया फिलिप एच डायबीबी को। तो इनको दिया गया फॉर कंट्रीब्यूशन फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। तो
यहाँ पर मैंने आपको ये सभी नोबेल प्राइज़ एक टेबल फॉर्म में एक साथ यहाँ पर दे दिए हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल वीके स्टडी सर्कल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। तो यहाँ पर पूरे ये दिए गए हैं कि नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स किसको दिया गया, केमिस्ट्री में किसको दिया गया, मेडिसिन में किसको दिया गया, लिटरेचर में किसको दिया गया, नोबेल पीस प्राइज़ और नोबेल इकोनॉमिक साइंस। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। अगर हम बात करें कि नोबेल प्राइज़ विनर फ्रॉम इंडिया, तो सबसे पहले थे रोनाल्ड रॉस, जिनको मिला था 1902 में, जो उत्तराखंड जिस टाइम ब्रिटिश इंडिया था वहाँ पर पैदा हुए थे, जो बिलोंग करते थे यूनाइटेड किंगडम में। उसके बाद रुडयार्ड किपलिंग और जो इंडियन थे रविंद्रनाथ टैगोर, उनको दिया गया था 1913 में, जो बिलोंग करते थे कोलकाता वेस्ट बंगाल से। उसके बाद दिया गया सी वी रमन, देन मदर टेरेसा, देन अमर्त्या सेन, देन कैलाश सत्यार्थी, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और वेनकी रामाकृष्णन, और रिसेंटली 2019 में दिया गया था अभिजीत बनर्जी से, जो बिलोंग करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, पर उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र इंडिया में। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। थैंक यू।